बात करेंगे। आज कोरोना वायरस की वजह से सभी परेशान हैं, खास तौर पर बेरोजगार और दिहाड़ी वाले मजदूर, इसके अलावा व्हाइट कॉलर वाले भी शामिल हैं। और चेयरमैन मुस्तफा कमाल बहुत हमें मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, और उनके पार्टी के जो कारकुन हैं और उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी हमें काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल जो है वो बद से बदतरीन तर होती चली जा रही है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में शमशाद अली सिद्दीकी साहब हैं, इनका ताल्लुक है PSP से। उनसे जान लेते हैं कि वो क्या बात करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पे। शमशाद अली सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोरोना वायरस की वजह से सभी परेशान हैं, क्या लगता है आपको, मजीद लॉकडाउन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, सूरत हाल जो है काफी गंभीर होती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, बहुत शुक्रिया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सूरत हाल तो काफी गंभीर है, लेकिन अब इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि ये एक वाकई एक आलमी मसला है, और इसमें सिर्फ ये कि कोई एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। लेकिन इसके अगर हम पिछले एक दो महीने में जब से ये वबा तेज हुई है, अगर उसका हम जायजा लें, तो इसमें ये हुआ है कि जिन ममालिक ने शुरू में एहतियाती तदाबीर की तो वहाँ सूरत हाल मेरा ख्याल है बेहतर है, लेकिन जिन्होंने इसको बहुत ईजी लिया, देखिए ये शुरू कहाँ से हुआ, वुहान से शुरू हुआ, तो वुहान में जो आज ख़त्म हुआ है उन्होंने कोई दवा तो नहीं पी, इसकी कोई वैक्सीन तो अभी तक नहीं आई, लेकिन ये कि सिर्फ और सिर्फ एक काम किया चाइना गवर्नमेंट ने कि उसको मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया। अब चाइना एक जाहिर है बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल भी ज़्यादा हैं, वो ऐसा कर भी सकते थे आसानी के साथ, तो उन्होंने तमाम जितने भी लोग थे उनके जो रेजिडेंट थे उनको दो वक्त का खाना टाइम पे पहुंचाया, तो उसकी वजह से तकरीबन कमोबेश 70 रोज वो लॉकडाउन वहां पर जारी रहा। उसके फिर देखिए नतायज जो है बड़े मुस्बत आए सामने, और वहां से ये वबा जो है वो खत्म हुई, और अब उन्होंने उसको ओपन कर दिया, तमाम सनअतें भी काम कर रही हैं, तमाम कारोबार जिंदगी जो है दोबारा अपनी डगर पर आ चुका है। इसी तरह जो दीगर ममालिक हैं जिन्होंने इस पे थोड़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं वहाँ भी कम है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत ईजी लिया, खासतौर पर यूपी ममालिक में इसकी इस वबा को बहुत ईजी लिया गया, जिसके नतायज बहुत मनफी आए। आपने देखा कि इटली में, स्पेन में, और फिर ये कि बरतानिया में, और आज की जो सूरत हाल अमेरिका की हम देखते हैं तो बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज वहां पर हो रही हैं, बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हो रही हैं। कोई मेरा ख्याल है कि अमेरिका में तो कोई मेरा ख्याल है 20,000 से भी अबव हो चुकी हैं। पाकिस्तान भी इस वबा का यकीनी तौर पर शिकार होना था, क्योंकि हम तो चाइना के बिल्कुल नेबर थे, और नेबर होने के हैसियत से हमें प्रिकॉशंस मेजरमेंट्स जो लेने चाहिए थे वो हमने शुरू में हमारी हुकूमतों ने बहुत कम लिए, और फिर उसका ये ना, क्योंकि ये बात सामने तो आ गई थी ना, आप देखें फरवरी में तकरीबन ये पता चल गया था कि ये बड़ी तेजी से फैल रहा है, और यकीनी तौर पे इसने आगे भी जाना था, और फिर ये हुआ कि ईरान से ज़ायरीन पाकिस्तान जब तशरीफ लाए तो उनको हमने, वो तो बेचारे जाहिर है वो इबादत के लिए जाते हैं हर साल, उनको हम एग्जाम तो नहीं दे सकते कि उनकी वजह से कोरोना पाकिस्तान में फैल गया, लेकिन ये तो हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि उनको उनको जाहिर है जब ईरान में बहुत ज्यादा था, ईरान में ये बहुत तेजी से था, तो जब ज़ायरीन पाकिस्तान तशरीफ लाए थे तो जब वो सरहद पर पहुंचे हैं बलूचिस्तान की, वही एक रास्ता है, वहाँ पे उनको मुनासिब तरीके से क्वारंटाइन में नहीं रखा गया, वहाँ पे जो फिर हमने रिपोर्ट्स देखी हैं जिस तरह के कैंप बनाए थे वो सबको एक जगह उन्होंने जमा कर लिया, और वहाँ से फिर उन्हें वो खुद निकल के कुछ भागना भी शुरू हो गए, और फिर वो पहली दफ़ा जब सिंध पहुँचे तो सिंध के अंदर जो है इस वबा ने अपनी जड़ें पकड़ना शुरू की, तो यहाँ के वज़ीर आला ने खैर शुरू में बहुत ही एक्टिवली काम किया, फौरी तौर पर स्कूल बंद कर दिए, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, और कारोबारी इदारे भी कुछ उन्होंने बंद किए, तो उससे ये हुआ कि शुरू में थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, लेकिन ये जाहिर है सिर्फ इनका ताल्लुक सिंध से तो नहीं था, और उसके बाद पंजाब और बलूचिस्तान और KPK में भी ये लोग गए हैं, तो वहाँ भी उनको प्रॉपर जो है ना उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, प्रॉपर उनको नहीं रखा गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो ना आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेजी आना शुरू हो गई, अगरचे शुरू में सिंध में थी, और सिंध के बाद आपने देखा कि फिर पंजाब में बहुत ज्यादा ये वबा फैले, और इस वक्त भी जो नंबर्स हैं वो पंजाब के जो हैं वो ज्यादा हैं और फैल रहा है। लेकिन दुनिया पे अगर हम नजर डालें तो देखें जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया को भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि ताइवान है और बांग्लादेश है और डेनमार्क, ये हुकूमतें ऐसी थी कि इन्होंने फौरी तौर पे लॉकडाउन किया, खासतौर पे मैं हमारे बांग्लादेश का जिक्र करूंगा कि वहां पे मैं देख रहा था कि अब तक सिर्फ और सिर्फ 70 लोग इससे मुतासर हुए, और इसमें से तकरीबन 8 उनके जो है ना वो कैजुअलिटीज हुई हैं, 32 लोग जो है वो अभी भी जेरे इलाज हैं, और 30 लोगों को उन्होंने रुख्सत भी कर दिया,
तो वहां पे कोई इस वबा ने ज्यादा जड़े नहीं पकड़ी। इसी तरह से आपको न्यूजीलैंड में भी देखने हैं, इसी तरह से डेनमार्क, यही ताइवान। अच्छा, एक और बड़े इसमें मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये चार मुल्क हैं, इन चारों मुल्कों में सरबराहान ममलिकत जो है वो खवातीन है। और आप देखें कि यूरोप में अगर बहुत जल्दी जिस मुल्क ने इस पे काबू पाया तो वो जर्मन है, और वहाँ की जो सरबराह है वो भी खातून है। तो ये खवातीन सरबराह जिन ममालिक में थी उन्होंने माशाल्लाह बड़ी तेजी से काम किया इस मामले पे, और उन्होंने अपने शहरियों को भी बचाया, अपने मुल्क को भी बचाया, अपने शहरों को बचाया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अभी लॉकडाउन जो है बहुत कबल वक्त होगा इसको ख़त्म करना, क्योंकि अभी पूरी तरह से बीमारी गई नहीं है। बल्कि अभी खासतौर पर पाकिस्तान की सूरत हाल तो ये है कि हमारे बेशुमार पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर मुल्कों में फंस गए, और अब एक किया ये कि कुछ खसूसी परवाजें चली हैं कि उनको पाकिस्तान लाया जा रहा है। तो हमें तो इसमें अभी बहुत केयर करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये इम्पोर्ट हुआ है ना, बाहर से लोग आए, बाहर से लोग आए, बाहर से लोग आए, उनकी हमने केयर नहीं की। जब वो आए थे तो एयरपोर्ट पर मुनासिब इंतजाम नहीं थे, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से क्वारंटाइन कर लेते तो मेरा ख्याल है कि सूरत हाल बेहतर होती। सही। अच्छा सर, सिंध हुकूमत ने जो राशन बांटा है, क्या लगता है आपको, वाकई में उन्होंने बांटा है, ये सच है जो ये गर्दिश कर रही है खबर? हाँ, इसमें सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है बहुत ही मायूस कन रही। अगरचे उन्होंने शुरू में ही उनकी काबीना से कोई 12 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो सेंक्शन किए थे, और जब वो सेंक्शन किए तो एक तवक्को उनसे यही थी कि प्रॉपर तरीके से राशन की तकसीम होगी। तो वो जो वो कहते हैं हमने बहुत 2.5 लाख लोगों के घरों पे राशन पहुंचा दिया, तो लेकिन ये कहीं हमें नज़र नहीं आया किसी मकसद। जैसे दीगर तंजीमें भी काम कर रही हैं, हमारी PSP भी काम कर रही है, अल खिदमत भी काम कर रही है, JD भी काम कर रही है, सारिम बर्नी ट्रस्ट है वो भी काम कर रहे हैं, तो इनका काम जो है बाहर नजर आता है। लेकिन हुकूमत ने कहाँ बांट दिए, किस गली में जाके बांटे हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आया। और इस पे जाहिर है फिर कोर्ट को भी फिर इस पे मेरा ख्याल सुमोटो लेना पड़ा, अगर आपने देखा हो कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है सिंध हुकूमत से कहा है कि वो पूरी हमें रिपोर्ट जमा कराएं कि ये जो आपने 2-2.5 अरब रुपए राशन बांटा है तो वो कहाँ से खरीदा गया, किन लोगों में बांटा गया। तो देखें मामला जो कोर्ट के अंदर है क्या नतीजा आता है सबके सामने आ जाएगा। सर ये बताइएगा क्या वजह है कि आज भी मरकज और सिंध के दरमियान कश्मकश जारी है? हाँ, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। देखें इस वक्त ऐसा था कि जब आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो चाइना का मजाक उड़ा रहे थे और इसको चीनी वायरस कह रहे थे, तो लेकिन जब ये बाबा बढ़ी है तो उन्होंने पहला काम ये किया कि फौरन टेलीफोन उठाया और चाइना के प्रेसिडेंट को फोन कर दिया, तमाम तलाफात के बाल तक रख के, और उनसे कहा कि भाई आपने इसके ऊपर कैसे वबा पाया। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम आपको इंशाल्लाह ताला भरपूर मदद करेंगे, और चाइना और अमेरिका में एक तरह से इत्तेहाद हो गया। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हालांकि ये बड़ा संगीन मसला है, लोगों की जिंदगी का मसला है, इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है वो की जा रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो मुझे लगता है अभी तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सके। होना तो ये चाहिए था कि जब ये जाहिर है पूरे पाकिस्तान में ये वबा फैली थी कि वजीर आजम को फौरी तौर पर तमाम सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर चारों वज़राए आलों को बुला लेना चाहिए था, एक कमरे में बैठ के एक पॉलिसी, एक मजबूत पॉलिसी जो है उसको अपनाई जाती ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर मुल्क में हो। अब हो ये रहा है कि वहाँ जो वजीर आजम साहब है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पॉलिसी का ऐलान करते हैं, उसके एक घंटे के बाद सिंध के वजीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो फिर दूसरी पॉलिसी का ऐलान करते हैं। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है, और काश के इस वक्त हम इसको बाले तक रखकर। आप देखें, मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा अपनी पार्टी का, यहाँ PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब ये वबा शुरू हुई है तो सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब हम सियासत बाद में करेंगे, हम अनकंडीशनल सूबाई गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की मुकम्मल हिमायत करते हैं, वो जहाँ जाए हमारे कारकुनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि बाकी पार्टियों ने इस जज्बे का इजहार नहीं किया, हालांकि ये मौका था कि खास तौर पे सुबह सिंध में शुरू के अंदर वजीर आला सिंध ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें तमाम सियासी पार्टियों को बुलाया, उनसे मशवरा किया, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब। अब वो 2-3 उनके वजीर होते हैं और वो होते हैं और वो जो है वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना ये पता चल रहा है उनकी पॉलिसी क्या है, किस तरह से राशन तकसीम हो रहा है। भाई जब 12 बिलियन रुपीज आपने सेंक्शन किए हो तो जगह जगह शहर में कैंप लगे होने चाहिए थे ना, कहीं से आप मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते, कहीं से आप जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करते, कहीं से कैश डिस्ट्रीब्यूट करते, ताकि लोगों को पता चलता कि हाँ भाई ये 12 अरब रुपए जो अप्रूव हुए थे ये इस तरह से आवाम तक पहुंचे हैं। लेकिन सूरत हाल बड़ी ही मायूस कौन है, जैसा कि मैंने कहा कि वो आपस में लड़ाइयाँ जो है वो जारी हैं,
और ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। शमशाद साहब ये भी बताइएगा, क्या आपको बाकी जमातों का तावुन हासिल है या? देखिए जी, हम तो पहले दिन से ही जब ये शुरू हुआ, मुस्तफा भाई ने अपने तमाम कारकुनों को जमा किया, हमारी सेंट्रल कमेटी नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि भाई आज चूंकि पूरा मुल्क मुश्किल में आ गया है, पूरा शहर मुश्किल में आ गया है, तो हम अपनी तमाम सियासी सरगर्मियों को तर्क करते हैं और आज से हम फलाही सरगर्मियां शुरू करते हैं, और जो हमारा सियासी दफ्तर था उसको हमने अपना फलाही मरकज बना लिया। अच्छा, वहां से फिर हमने लोगों से जो मुखिया रजा से उनसे अपील भी की, और लेकिन सबसे पहले जो है अपनी जेबों से हमने पैसे निकाले और राशन जमा किया और लोगों में तकसीम किया, और उसके लिए बड़ी जबरदस्त पॉलिसी मुस्तफा कमाल भाई ने दी कि किसी शख्स की इस पर तस्वीर नहीं आनी चाहिए। हमें शायद रिकॉर्ड के लिए जब सामान जा रहा हो तो हमने कोई गाड़ी की तस्वीर ले ली अपनी वो, लेकिन ये रात के अंधेरे में हम लोगों के डोर स्टेप पे जाकर जो है ना ये राशन जो है वो पहुंचा रहे हैं। अच्छा, दीगर सियासी जमातें, दीगर जो फलाही इदारे हैं, हाँ यकीनी तौर पर वो भी हमारे साथ हमारे ऑफिस का विजिट भी करते रहते हैं। अभी दो दिन पहले अगर आपने देखा हो तो सैलानी इंटरनेशनल की बहुत बड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, उसके सरबरा बशीर फारूकी साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी बड़े हमें हमारी रहनुमाई भी की, हमें मशवरे भी दिए और हमने भी उनको बताया कि हम किस तरह से लोगों की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। तकरीबन इस वक्त सिर्फ कराची के अंदर 20,000 से ज़्यादा खानदानों को हमने राशन पहुँचाया, हैदराबाद में तकरीबन 10 से 15,000, मीरपुर खास और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने। मुस्तफा कमाल भाई ने एक बहुत ज़बरदस्त बात शुरू में गवर्नमेंट को कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इस चीज़ से निमटने के लिए अगर आप जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं ना, अभी तो सिंध के अंदर बल्दियाती निज़ाम चल रहा है, पंजाब में अगरचे ख़त्म हो गया, KPK में ख़त्म हो गया है, लेकिन वो लोग तो मौजूद हैं और इनकी तादाद तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा है, तो उन्होंने अपील की थी कि इन लोगों पर टीम बना दी जाए, क्योंकि जो इलाके का काउंसलर होता है वो 3-4 गलियों पर होता है और उसको हर गली का पता होता है कि किस गली में कौन डिजर्व में कौन मिस्टेक है, किसको जो है ना ये इमदाद की ज़रूरत है, तो बड़ी आसानी के साथ जो है ये इमदाद पहुँच जाती है। लेकिन हुआ ये कि इसमें भी वो कहते हैं ना सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई और वजीर आजम साहब ने कहा नहीं, हम ये जो ये वेलफेयर का काम है वो टाइगर फोर्स करेगी। अब आप देख लें कि आज ये इस बात को तकरीबन 2 महीने हो गए, टाइगर फोर्स का ऐलान हुए हुए भी 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कम अज कम मैंने कराची शहर में टाइगर फोर्स का कोई एक बंदा भी नहीं देखा, तो इसमें बड़ी हाथ की जरूरत है, प्यार मोहब्बत से बैठे इस मसले को, ऐसे हल नहीं होगा ये, खुदा ना खास्ता अगर बढ़ गया तो हमारे पास तो जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो बहुत कम है, हम काबू नहीं पा सकते इस पर। सही। अच्छा शमशाद साहब ये भी बताइएगा, क्या आप लॉकडाउन के फेवर में हैं? आपको लगता है कि ये जो लॉकडाउन है और मजीद बढ़ा दिया गया है तो आवाम जो है फुली कोऑपरेट कर रही है? नहीं, आवाम में अब थोड़ी सी बेचैनी हो गई है। असल में देखें, जब ये वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो उन्होंने कुछ खोल भी दिया है 2 सुबह के अंदर, तो वो जो शुरू में खौफ था उसमें अब कमी आ गई है, अब लोग जो है ना इतना ज्यादा इससे डर नहीं रहे, क्योंकि जो विफाक की गवर्नमेंट का जो रवैया है उसकी वजह से। जबकि देखें, मैं तो यही समझता हूँ कि इस मसले का हल तो लॉकडाउन ही है ना, आप देखें क्या इसकी कोई दवा वजूद में आई है, क्या कोई वैक्सीन वजूद में आई है, कुछ नहीं हुआ अभी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन ही इस मसले का हल है। और ये हमने देख भी लिया है ना, जिन मुल्कों ने किया वहां पे मुस्बत नतीजे आए, चाइना से लेकर डेनमार्क और बांग्लादेश और ताइवान, मैंने तो मिसालें दी है ना आपको, इन मुल्क में कहाँ हुआ है, बहुत कम लोग, बहुत कम कैजुअलिटीज हुई है। तो लॉकडाउन तो होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन बहरहाल जब लॉकडाउन हो तो वो जो गरीब तबका है, वो जो रोज कमाना और रोज खाने वाले लोग हैं, जो डेली वेजेस वाले हैं, ये तो फिर हुकूमतों की और रियासत की जिम्मेदारी होती है। देखिए, कोई भी जमात, कोई भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये काम नहीं कर सकती जब तक कि हुकूमत इसको संजीदगी से ना ले, तो इसमें हुकूमतों को आगे बढ़ना चाहिए कि लॉकडाउन से जो मुतासर होने वाले अफराद हैं उन तक खाना, उनकी जो भी मुश्किलात हैं उनको दूर करने की जिम्मेदारी वो उठा लें, वरना सूरत हाल तो जाहिर है मजीद बिगड़ने के खदशात हैं। ठीक है। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब की क़यादत में बिला तफरीक लोगों की मदद की जा रही है और ये बड़ा एक नेक काम है, क्या लगता है आपको, मतलब कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और किस तरह से क्या कुछ हो रहा है? देखिए जी, हमारे पास तो आपको पता है कि ना कोई MNA है, ना कोई MP है, ना कोई हमारा काउंसलर है, हमने तो सिर्फ अभी जमात को 4 साल हुए हमारी बने हुए और कोई गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट नहीं है। हमने सबसे पहले, मैंने शुरू में भी कहा था कि जब मुस्तफा भाई ने हमारी नेशनल काउंसिल का इजलास बुलाया तो उन्होंने कहा यार हमने मदद करनी है, सबसे पहले अपनी जेब से शुरू करनी, और उसके बाद फिर ये काम जब शुरू हुआ है, फिर मुस्तफा भाई ने कुछ मुखैर हजरात को हिम्मत करके कॉल की
कराची शहर में, आपको पता है कराची शहर इन कामों में हमेशा आगे रहा है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका ताल्लुक भी आप देखें, चाहे वो सैलानी हो, चाहे वो जेडी हो, चाहे वो सारिम बर्मी ट्रस्ट हो, इन ज्यादातर इनका काम छिपा, ये तमाम जो है ये तंजीमें कराची की हैं। और जब कभी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया तो यही लोग बढ़ते हैं कि चाहे वो कश्मीर का जलजला हो या सैलाब की सूरत हाल हो, कराची की तंजीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो ये बड़े मुखय्यर लोगों का शहर है। तो मुस्तफा भाई ने भी दो चार लोगों को कॉल किए और वहां से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। मैं आपके इस चैनल से बिल्कुल उनका शुक्रगुजार भी हूँ, और न सिर्फ ये कि कराची शहर के बल्कि पूरे पाकिस्तान से और बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पीएसपी की इस मुहिम में जब उन्होंने हमारी एक्टिविटीज देखी है तो इसमें तामुन किया। सऊदी अरब से, दुबई से, अमेरिका से, कनाडा से भी लोगों ने हमारे साथ तामुन किया। और मैं अभी भी उनसे ये अपील करता हूँ कि अपना ये तामुन जारी रखें, क्योंकि अभी हमारा मुकाबला चल रहा है इंशाल्लाह ताला। कोरोना से जो है अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और मेरी दरख्वास्त है ये इस तरह से हमारे और कोई फंडिंग हमारे पास नहीं आती किसी गवर्नमेंट की या किसी इदारे की, हम अब खुद मेहनत करते हैं या फिर चंद मुखियर हजरात। ठीक है शमशाद साहब, ये भी बताएगा, बजाहे कोरोना वायरस से हलाकतें तो कम हो रही हैं लेकिन गरीब अब भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह? हाँ नहीं, कोरोना वायरस से मैंने बताया ना शुरू में तो ये हलाकतें कम थी, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज से इसमें इजाफा हुआ है। परसों तकरीबन 24 और कल 11, अब इस वक्त कोई 135 हो चुकी है कैजुअल्टीज पाकिस्तान में। लेकिन खदशा यही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोरोना से बच गए तो भूख से जो है वो मरने का खदशा है। तो इसमें देखें, जैसे मैंने कहा है ना कि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई जमात जो है ना वो पूरी तरीके से, अगरचे तमाम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातें जो हैं वो अपने तौर पर काम कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है। हुकूमत के पास मशीनरी है, हुकूमत के पास फंड्स हैं, उनको चाहिए कि ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मईशत बेहतर हो जाएगी। इस वक्त तो गरीब का चूल्हा जो है ना वो जलना चाहिए। तो हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी अगर उन्होंने पूरी की और बाकी सियासी पार्टियां ने, तो सभी ने तकरीबन ये कि कहा है कि भाई हम साथ हैं। सिर्फ ये कि जो हमारे हमेशा से बड़े सियासी बाजीगर रहे हैं, और उसमें देखें हुकूमत का थोड़ा सा मुस्बत अंदाज होना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसने तमाम अपोजिशन लीडर को भी बुलाया, सबको बुलाया, उसने वजीर आजम को तशरीफ लाए, वजीर आजम ने उसमें स्पीच की, और उसके बाद तवक्को ये थी कि जो अपोजिशन लीडर है उसको भी चांस मिलेगा, लेकिन वो वहां से उठ के चले गए। तो ये बहुत ही बुरा बुरा ये फेल था जिसको पाकिस्तानी कौम ने भी बहुत बुरा बनाया, और हम सब ने कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपने सबको बुलाया था तो वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ फरमा थे, बिलावल भी थे, तो दूसरे लोग भी थे इस्मंजियार वाले, उन्हें भी सुनना चाहिए था। तो उस दिन से एक ये जो ना ये समझने की एक किस्म की दरार पैदा हो गई। अब वो बस हर तरफ जो है ना अपनी अपनी हो रही है और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो इसको थोड़ा सा जो है ना कम करके वजीर आजम को चाहिए कि अब वो माशाल्लाह अब 2 साल होने को आए हैं, अब पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाए बजाय इसके कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हों। ठीक है सर, वजीर आजम साहब के एहसास प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, एहसास प्रोग्राम जो है वो उन्होंने शुरू किया है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम है लोगों के मदद के लिए। और ये अब उसमें भी जो है ना सुना ये कि काफी मकसद है कि करप्शन का पहलू, अगर अगरचे वजीर आजम जाती तौर पे तो एक ईमानदार आदमी है और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि गरीब तक ये पहुंचे, लेकिन असल में पूरी मिशनरी ऐसी है ना कि आप देखें एहसास प्रोग्राम अभी तो ये कि जहाँ पे वो पैसों की तकसीम हो रही है वहाँ हजूम लग जाते हैं। ये सबसे खतरनाक बात तो ये, आजकल तो सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो हजूम ना लगे, लेकिन बहरहाल ये किस ये एक अच्छा कदम है और हम इसका समर्थन करते हैं। ऐसी जो भी मकसद लोगों के भलाई के लिए और लोगों की मदद के लिए जो भी कार्रवाई होगी, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो किसी जमात की तरफ से, हम उसका समर्थन करते हैं। ठीक है सर, कोरोना वायरस के हवाले से आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? घर में रहें और बिला जरूरत घर से ना निकलें, इसलिए कि यही एक इसका फार्मूला है इससे बचने का, और तो कोई भी ना इसकी दवा है ना कोई इसकी वैक्सीन है। तो मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है और कि वो अपने घरों में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो अपना किताबों में घर में जिस तरह भी गुजार सकते हैं गुजारें। लेकिन इस वक्त ये कि मैं अपनी इंटरनेशनल कम्यूनिटी में, हमारे खासतौर पर अमेरिका में, कल मुझे पता चला सिर्फ न्यूयॉर्क में जो है ना वो काफ़ी कुछ 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तानियों का
साथ दिया है, अपने मुल्क का साथ दिया है, बेशुमार इतने प्रोजेक्ट हैं जिसपे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहां से फंडिंग की है तो वो पाए तकमील तक पहुंचे हैं। उसमें चाहे शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल हो या नमल यूनिवर्सिटी हो या डैम का मसला हो, और एक बार फिर वजीर आजम ने भी अपील की है कि वो इस काम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो मैं भी अपील करता हूँ कि वो हुकूमत से भी तआवुन करें, PSP से भी तआवुन करें, अलखिदमत से भी तआवुन करें, JD से भी, सारे बंदी जो भी इदारे इस काम में लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ तमाम जिसको वो बेहतर समझते हैं उनके साथ जो है वो तआवुन बढ़ाएं ताकि हम इस बड़ी मुश्किल से जिससे पूरी कौम नबर्दो आजमाए आराम से इससे हम निकल सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमशाद अली सिद्दीकी साहब आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें जो हैं वो आपने की हैं। इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम जो है अपने ख़त्म को पहुंचा है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कृपा।